zit in haar kamzorgoebe. दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। क्या सलमान खान को टाइगर 3 के लिए कम फीस दी जा रही है? कौन से रिकॉर्ड बनाए थे टाइगर जिंदा है मूवी ने? पहले ही दिन 34 करोड़ की ओपनिंग करने वाली मूवी टाइगर जिंदा है के बाद अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान खान टाइगर 3 के साथ। जहां सलमान खान ने टाइगर जिंदा है के लिए 150 करोड़ रुपए लिए थे, अब आने वाली टाइगर 3 जो 300 करोड़ की एक बिग बजट मूवी होने वाली है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान इस बार तो 150 करोड़ के ऊपर की मांग कर रहे होंगे, पर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि टाइगर 3 के लिए सलमान इस बार कम पैसे ले रहे हैं। दरअसल जहां पैंडेमिक के चलते आम जनता का हाल खराब रहा, वहीं मूवी इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में पहले सुनने में आ रहा था कि शायद मेकर्स 300 करोड़ का बजट ना रखे, पर बजट के साथ कोई चेंजेस नहीं किया गया है। पर ऐसे में मूवी के कलाकारों को कम फीस दी जा रही है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मूवी वाले और सलमान खान ही जाने। जैसे आप पहले ट्यूबलाइट मूवी के फ्लॉप जाने के बाद टाइगर जिंदा है ने एक बार फिर सलमान को एक्शन हीरो बना दिया, वहीं अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि इस बार भी सलमान की ज्यादा मूवी फ्लॉप हो गई, जिससे में सलमान की फिल्मी करियर पर असर पड़ा है और आने वाली टाइगर 3 सलमान के लिए एक जबरदस्त कमबैक साबित हो सकती है। तो अगर इस बात में सच्चाई है कि सलमान ने टाइगर 3 के लिए कम फीस ली है, तो इसका एक अहम कारण ये भी हो सकता है। टाइगर फ्रेंचाइजी की लास्ट पार्ट की बात करें तो टाइगर जिंदा है मूवी ने काफी रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये सुल्तान और बजरंगी भाईजान के बाद सलमान की तीसरी मूवी साबित हुई जिसने 300 करोड़ का कलेक्शन पार कर दिया था। वहीं ये मूवी यशराज फिल्म्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी साबित हुई और 2017 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी। इतना ही नहीं, अब तक की बॉलीवुड फिल्मों में से पहले दिन 45.53 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी भी साबित हुई 2017 की। अब कमाई में इतने रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद सलमान इसके सीक्वल को कुछ है पैसों के लिए अपने हाथ से जाने देंगे। देखते हैं क्या अभी टाइगर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं और नया रिकॉर्ड बना पाएंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। We'll be right back.